भाजपाइयों में बौखलाहट है क्योंकि हार सामने दिख रही है, इसलिए बौखला गए हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि ये तो वही लेफ्ट और वही कांग्रेस है ना जो आपस में लड़ते रहे और आज एक हो गए हैं। इन्हें कह दीजिएगा बात जिस दिन सरहद की आएगी ना उस दिन ये लेफ्ट और कांग्रेस ये नहीं देखेगी कि दिल्ली में सरकार किसकी है, हम सरहदों के लिए देश के लिए उनके साथ भी खड़े होंगे, हम उनके साथ भी खड़े होंगे जब देश की सरहदों की बात होगी लेफ्ट और कांग्रेस खड़े होंगे। लेकिन आज जब देश के भीतर बात आ रही है, भाजपा पूरी तरह से डॉक्टर अजोय पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, हिंसा हो रही है, देश का प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री को अपने दिल्ली छुड़वा दी और त्रिपुरा की गलियां नाप रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर तला जाकर देखिए कितना डरा दिया है आपने, उनकी दिल्ली छूटी है और त्रिपुरा की गलियां आपने घुमा रहे हैं और त्रिपुरा के लोगों ने कहा है त्रिपुरा भी छूटने वाला है, दिल्ली चले जाओ आओ, अब त्रिपुरा भी छूटने वाला है। प्रधानमंत्री जी आए, बोला कांग्रेस और लेफ्ट दो धार तलवार है। बोलिए प्रधानमंत्री जी, आपने बां से बेरोजगारी, मां से महंगाई का बम जो देश पे फेंका है, पूरा देश घायल है बेरोजगारी और महंगाई से। क्या है ये बम? बां से बेरोजगारी, मां से महंगाई। बहनें बैठी हुई हैं, पूछना चाहती हूं, उज्ज्वला एलपीजी गैस का सिलेंडर घरेलू चूल्हा जलाने के लिए कितने का मिलता है बताइए, त्रिपुरा में कीमत क्या है? 1300-1400 रुपए। महंगा है या सस्ता है? बोलिए तेज से, महंगा है। ये महंगाई का जो शब्द है ना, डॉक्टर अजय बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज दिल्ली से त्रिपुरा उतरते उतरते हवा हो गया है, उतरने की हिम्मत नहीं उतार रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहनों से नहीं पूछा महंगाई की मार पड़ रही है या नहीं। बैंक खातों में सब्सिडियां आ रही हैं, पैसा आ रहा है ज्वला का, आ रहा है बैंक खातों में? नहीं आ रहा है। कितनी नौकरी देनी थी हमें प्रधानमंत्री जी? 2 करोड़ नौकरी। क्या बोला? हर साल कितनी? 2 करोड़। 9 साल में कितने करोड़ नौकरी आनी थी? 18 करोड़। और मैं अब आपसे पूछती हूँ, हाथ खड़ा करके बताएं कि भाजपा ने पिछले अपने 5 सालों में आप में से किसको सरकारी पक्की नौकरी दी है? हाथ खड़ा करें, जिसको दिए वो हाथ खड़ा करें। एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा, दावा है 18 करोड़ लोगों को नौकरी दी और हाथ 18 नहीं खड़े होते। ये बेरोजगारी और महंगाई की मार है। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? डबल इंजन की सरकार बना दो, दिल्ली में मेरी सरकार, त्रिपुरा में मेरी सरकार दे दो। भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू आ गया, दिल्ली भी आ गई और हमने त्रिपुरा भी दे दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भाजपा आपके दोनों हाथों में दिल्ली और त्रिपुरा तो लड्डू आ गया, लेकिन आपने देश के लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया, कटोरा थमा दिया, बेरोजगारी और महंगाई का कटोरा थमा दिया। अभी वो कटोरा उस फकीर को वापस लौटा के दिल्ली भेज दीजिए, जो फकीर कह रहे थे खुद को, उसे कटोरा लौटाइए और वापस ही भेज दीजिए। आपके मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे भाजपा के, क्या नाम है? विप्लव देव। हाँ, कहाँ है? कहाँ है? बाहर भेज दिया, त्रिपुरा से ही बाहर कर दिया, चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहे उनको कि जमानत जब्त हो जाएगी। और जिन डॉक्टर को भेजा है 6-8 महीने पहले, डॉक्टर मानिक साहा, वो जो घाव आपके मुख्यमंत्री देकर गए हैं ना 4.5 साल में, वो घाव डॉक्टर साहब आपसे भरने वाले नहीं हैं, वो घाव गहरे हैं, उन घावों का बदला लेने का समय है। और बदला 16 तारीख को एक वोट की चोट से इन्हें देंगे और उन्हें बताएंगे कि घाव कितना गहरा है। आज 13 तारीख है,
कल चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। 15 तारीख मिलेगी घर पर बैठकर सोचने के लिए कि त्रिपुरा वापस से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन चाहता है या त्रिपुरा बदलाव चाहता है। क्या चाहता है त्रिपुरा? क्या चाहता है त्रिपुरा? क्या चाहता है त्रिपुरा? बहुत अच्छे, ये आवाज पहुंच गई होगी कि त्रिपुरा ने ठान लिया है कि त्रिपुरा बदलाव चाहता है, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की सरकार चाहता है। मानिकसा सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री है, घमंड में मत रहिएगा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को बुलाकर आप अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। घमंड भाजपा का उत्तराखंड में चकनाचूर करके आए हैं। उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम है धामी। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री को चुनाव हराया है अभी, और अब बारी त्रिपुरा में इनके हारने की है। अभी कुछ महीने, पिछले महीने हिमाचल में चुनाव हुआ, बोला डबल इंजन की सरकार है दिल्ली और हिमाचल में, धन बल ताकत सत्ता सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव भाजपा हार गई और हिमाचल में कांग्रेस का तिरंगा झंडा हम लहरा कर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं। और अब जीत, एक और बात कह रही हूं, पूछ रहे थे कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है, भाजपाइयों ने जवाब दिया 13 पर लड़ रही है, लेफ्ट 47 पर लड़ रही है। उन्हें बता दीजिएगा कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता 13 सीटों पर नहीं, 60 की 60 सीटों पर इन भाजपा को हराने के लिए लड़ रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से लाल सलाम का ये कार्यकर्ता 47 पे नहीं 60 पे लड़ रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ ताकत बन कर खड़ा है। तो ये सीटें हम मिलकर लड़ रहे हैं। किसी पत्रकार साथी ने पूछा डॉक्टर अजय से कि अब तो चुनाव कल थम जाएगा, जितेंद्र जी से भी बात हो रही थी कि कितनी सीटें भाजपा को दे रहे हैं, तो वो पूछ रहे कि भाजपा को कितनी सीट दे रहे हैं, तो आपको मालूम है क्या जवाब मिला? 60 में से कितनी जा रही है भाजपा के पास बताइए। चलिए ये बता दीजिए, भाजपा कितने पर हार रही है? कितने पर हार रही है? कुछ दे रहे हैं भाजपा को या नहीं दे रहे हैं? ठान लिया है दिल्ली वापस भेजना है इन्हें, तो आप सभी लोगों को कहूंगी, डॉक्टर अजय जी को भी बोलना है, आपके उम्मीदवारों को भी बोलना है, चले 5 महीने, चले रोज, चले पैदल, चले 4,000 किलोमीटर चले। जब श्री राहुल गांधी चल रहे थे, चलते चलते रास्ते में देश का मजदूर और किसान उन्हें आंखों में आंसू लेकर मिला और राहुल जी को लिपट कर रोया कि मेरी आय दुगनी नहीं हुई, मैं इस देश का मजदूर और किसान, मेरे सर पर कर्ज है, मेरी मदद कीजिए। राहुल गांधी जी 2 कदम आगे बढ़े, देश का दलित और आदिवासी उनसे मिला और रोया। राहुल जी थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें देश का बेरोजगार युवा मिला, और आगे बढ़े तो देश की महंगाई की मार झेल रही बहनें मिली आंखों में आंसू लेकर। कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते देश की सरहद पर खड़ा हमारा जवान और पूर्व सैनिक राहुल गांधी जी को लिपट कर रोया। राहुल गांधी जी ने विश्वास दिलाया, दिल्ली लौटकर देश की संसद में इस तानाशाह सोती सरकार को जगाऊंगा और आपके सबके हक अधिकारों के लिए लड़ूंगा। संसद का सत्र शुरू हुआ, श्री राहुल गांधी जी ने देश के मजदूर, किसान, बेरोजगार युवाओं का, माता बहनों का, सरहद के जवानों का दर्द रखा, इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी संवेदनशील होकर उनका दर्द सुनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने श्री राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया, और वो मजाक राहुल गांधी का नहीं, वो मजाक प्रधानमंत्री जी आपने देश के किसान, गरीब, मजदूर का उड़ाया, हमें वो मंजूर नहीं है। ये जवान जैसे यहां खड़ा है ना हाथ में बंदूक लेकर,
ये हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। ये चाहता है जवान कि त्रिपुरा के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे, लोग 16 फरवरी को घरों से बिना डरे इनके सुरक्षा घेरों में अपना वोट अपना मत दें और लोकतंत्र का फैसला सुना जाए। ये इसलिए खड़ा है, पूरा साथ दीजिएगा इन्हें, क्योंकि भाजपा चाहती है इन चुनावों को सत्ता धन बल के दम पर हासिल करे। वो हिंसा करेगी, लोगों में डर पैदा करेगी, लोग घरों से नहीं निकल पाएंगे और भाजपा सत्ता हासिल करने का अपना सपना सच करने पर लग जाएगा। शांति और प्यार से रहिएगा, भाईचारे से रहिएगा, जवान जो हमारा खड़ा है उसकी मदद करिएगा ताकि हमारा वोट बदलाव के लिए पड़ पाए और भाजपा का तंबू यहाँ से उखड़ पाए। बांग्लादेश का बॉर्डर भी है बताया गया। राहुल गांधी जी जब कश्मीर तक पहुंचे, सरहद के जवान ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने उनके साथ धोखा और गद्दारी की है। लद्दाख की गलवान वैली में दुश्मन चीन घुस कर आया, हमारे जवानों ने पीठ नहीं दिखाई, हमारे जवानों ने गलवान वैली में सीने पर गोली खाई और दुश्मन देश को लद्दाख की गलवान वैली से खदेड़ दिया। सीने पर गोली खाई, 20 जवान वही शहीद हो गए हमारे। दिल्ली में बैठी सरकार से पूछा, प्रधानमंत्री जी से पूछा कि दुश्मन घुस आए हैं हमारी जमीन पर, हमारा जवान शहीद हो गया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, और चीन को क्लीन चिट दे दी और हमारे जवानों की शहादत का अपमान किया ये कहकर। ये राष्ट्रवादी सरकार, मैं आप सभी से कहूंगी, ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती शुरू हुई है हिमाचल से, अब दूसरा त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनाव है, अगले ही महीने दक्षिण भारत के कर्नाटका में भी चुनाव है, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव है। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और त्रिपुरा अपने सुनहरे दिनों की तरफ वापस लौटेगा, ये हमारा विश्वास है। मैं आप सभी से कहूंगी, प्यार से रहिएगा, भाईचारे से रहिएगा। आपका और हमारा इन तीन रंगों में और आपके लाल झंडे में एक रंग समान है, वो कौन सा रंग है, उसमें लाल और सफेद है। हमारे पास क्या है, केसरिया सफेद और हरा रंग है, दोनों में सफेद रंग एक है, वो सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है और इसे ही लेकर हमें आगे बढ़ना है। त्रिपुरा में सच्चाई और शांति का राज होगा, सबके जीवन में खुशहाली होगी। हमारे घोषणा पत्र में क्या है, डॉक्टर अजय राय, आप डॉक्टर अजय आपको जरूर बताएंगे कि कांग्रेस लेफ्ट की संयुक्त सरकार क्या करने जा रही है। और मैं बधाई देती हूँ जितेन चौधरी जी आपको, आपकी जनता ने यहाँ से आकर यहाँ पर साबित कर दिया है कि मात्र आप ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप विधायक ही नहीं बन रहे हैं, मंत्री ही नहीं बन रहे हैं, आप यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, ये सब लोगों ने तय कर दिया है। और ये कांग्रेस लेफ्ट की सरकार, ये दो चेहरों को देख लीजिएगा, डॉक्टर अजय और जितेंद्र चौधरी पूरे त्रिपुरा में बदलाव का प्रतीक बनने जा रहे हैं, ये आपके दम पर कह रहा हूं। आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आपको बधाई देती हूँ। चुनाव का ये जो त्योहार रहा पिछले 10-12 दिनों में, 8 तारीख को आई थी, कल वापस दिल्ली लौट जाऊंगी, 16 को आपका वोट है, आपका फैसला है, सर माथे पर होगा, पर 2 मार्च को मेरी भी नजर त्रिपुरा के परिणामों पर रहेगी कि क्या फैसला आपने दिया है। और ये 8 दिन का सफर, आपसे जो प्यार मिला, आपसे जो सम्मान मिला, त्रिपुरा में एक दशक के बाद बुलाया है। उम्मीद है सरकार बनेगी, शपथ लेंगे, जल्दी बुला लेंगे, इस बार 10 साल का इंतजार मत करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।